लेक्चर बॉटनी आज का जो हमारा बारह जी फर्स्ट ईयर का लेक्चर है मैमब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिज हैं एंड दे आर डिफरेंट फ्राम अदर ड्यू टू देयर मॉफोलॉजी तो बाकी ऑर्गेनाल से जो है अपनी मार्फोलॉजी की वजह से डिफरेंट है दे इज़ वॉर आइसोलेटेड एज अ सेपरेट कम्पोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाई डी डा नाइनटीन फोटी नाइन लाइसोसोम्स विच मीन्स स्प्लिटिंग बॉडी ऐसी ऐसे बॉडी या ऐसे ऑर्गनाली uh, जो कि चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हैं जो कि चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं उनके नाम के इस तरह उनके फंक्शन के ऊपर उनका नाम रखा गया है एंड दे आर फाउंड इन यू करियोटिक सेल एज वी नो ऑल मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड ऑर्गनलीज आर प्रेजेंट द यू करियोटिक सेल अब इनका फंक्शन क्या है एनी फॉरन ऑब्जेक्ट दैट गेंस एंटर इंटू द सेल इज़ इमीजिएटली इन्गर्व्ड बाय द लाइसोसॉम एंड इट इज कम्प्लीटली ब्रोकन इंटू सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेज तो होता क्या है कि जब भी कोई भी फॉरन पार्टिकल बॉडी के अंदर सेल के अंदर सॉरी बॉडी नहीं सेल के अंदर एंटर होता है तो लाइसोसॉम इसको फॉरन सेल गल्व करके इसको डाइजेस्ट कर देते हैं यहाँ पर जो आपके पास डायाग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें आप ये एक पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हुआ इसमें लाइसोसोम ने इसको इन्गल्फ कर लिया और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको छोटे छोटे से पार्टिकल्स में तब्दील कर लिया उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लिया और फिर डायजेस्टिबल पार्टिकल्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी फिर उस हिसाब से उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है तो लाइसोसोम का बेसिकली ये फंक्शन है तो इस प्रोसेस को हम कैसे कहते होते हैं फेगोसाइटोसिस यानी ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल दे आर मोस्ट अबंडेंट इन दोज एनिमल सेल विच एग्जिबिट फैगोसाइटाइट एक्टिविटी तो एनिमल सेल वो एनिमल सेल जो फाइगोसाइटोसिस कर सकते हैं उनके अंदर मौजूद जैसे कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइगोसाइटोसिस कर सकते हैं तो उनके अंदर ये लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर सिंपल सैक रिच इन एसिड फॉसफिटेज तो क्यों ये फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं क्यों ये डाइजेस्ट करके इनगल्फ करके चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एसिड फॉसफिटेज होते हैं और बहुत सारे हाइड्रोलिक इंजाइम होते हैं दीज इंजाइम्स आर सेंथिसाइज ऑन आर क्योंकि हमें पता है इंजाइम्स की जो नेचर है वो प्रोटीन है और प्रोटीन जो है वो सारे के सारे राइबोसोम्स के ऊपर बनते हैं राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द रफ एंडो रेटिकुलम एंड दे आर फर्दर प्रोसेस इन द गोल्जी ऑपरेटर्स द प्रोसेस्ड इंजाइम्स आर बर्डेड ऑफ एज गोल्जी वेजिकल्स एंड आर कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम तो जो भी इंजाइम बना वो बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको गॉल्जी बॉडी के अंदर भेज देते हैं फिर गोल्जी बॉडी के अंदर उनकी फ़र्दर प्रोसेसिंग होती है और वो फिर गोल्जी बॉडी से जो है वो छोटी छोटी सी वेजिकल्स की शक्ल में बड ऑफ़ करके बाहर निकलते हैं तो जब वो बड ऑफ़ करके बाहर निकलते हैं तो उनको हम कहते होते हैं दे आर प्राइमरी लाइसोसॉम्स और फर्दर पे जब वो प्रोसेस करते हैं लाइसोसोम्स कंटेन दोज एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइटोसिस फूड ये तो खैर हमें पता चल गया कि लाइसोसोम्स में एंजाइम होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं तो इस तरह से जो है वो हमारे पास लाइसोसोम की जो वो एक्टिविटी है वो फर्दर परफॉर्म हो रही होती है सम टाइम अंडर द एबनॉर्मल सरकमस्टांसिस फॉर एग्जाम्पल स्टारवेशन और एज अन नार्मल फिजोलॉजिकल प्रोसेस द पार्ट ऑफ द सेल आर इन्गल्फ बाई प्राइमरलाइसोसम एंड डाइजस्टिड टू जन जनरेट अनर्जी तो बात क्या होता है कि प्राइमरलाइसोसोम के पास ये एबिलिटी भी है कि जब कोई एबनॉर्मल सब सरकम स्टांस आ रहे हैं एबनॉर्मल सिचुएशन है या पार्टिकल को एनर्जी चाहिए सेल को एनर्जी चाहिए और उसको फूड नहीं मिल रही है तो फिर सेल के ही पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जा रहा होता है प्राइमर लाइसोसम उनको इन्गल्फ करके अनर्जी को पैदा कर रहे होते हैं द लाइसोसोम्स विच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल आर कॉल द ऑटोफेगोसोम्स यानी वो लाइसोसोम्स जो अपने ही पार्ट को खा सकते हैं दे आर नॉन एज द ऑटोफेगोसोम्स डाइजेस्टिव वेटक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आर नॉन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम्स तो अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवी प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स तो प्राइमरी लाइसोसोम्स तो व लाइसोसोम्स लाइसो हैं जो कि गोल्जी बॉडी से बड ऑफ करके निकल रहे होते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जब प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास ये एक्टिविटी है कि वो फैग अपने ही इस पार्ट को खा सकते हैं यानी ऑटोफेगोसोम्स बन सकते हैं इसके अलावा वो डाइजेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को डाइजेस्टिंग विक्यूल जो है वो बन सकते हैं तो वो जो है सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं दे आर इन दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोफेगी हमने डिस्कस कर लिया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल सच एज ओल्ड माइक्रोकॉन्ड्री आर डाइजेस्टेड तो बाज़ात जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं पुरानी हो गई हैं सेल की इनको जरूरत नहीं है उनको भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इन दिस वे मटेरियल ऑफ द सेल मे बी रिसाइकल एंड सेल मे बी रीन्यूड द इन्जाइम्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डी जनरेशन ऑफ सेल एज मैन मे अकर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेस तो कुछ चीज़ों को डी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम हम्ब्रियनिक स्टेज पर होते हैं तो ह्यूमन uh, के अंदर एम्ब्रियनिक स्टेज के ऊपर टेल होती है फिर आता वो ख़त्म हो जाती है <coughs> <coughs> तो बेसिकली लाइसोसॉम्स उसको इनगल्फ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डीजनरेशन लाइसोसोम ऑल्सो रिलीज इन्जाइम फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल से बाहर भी अगर डाइजेशन का प्रोसेस होना है यानी क्योंकि ये तो सेल के अंदर है ना तो सेल के बाहर अगर डाइजेशन का प्रोसेस होना है तब भी लाइसोसोम जो है कुछ इन्जाइम से कर रहे होते हैं सेवरल कन्जेंशियल डिजीज़ कंजेंशल डिजीजेज़ ऐसी डिजीज होती हैं जो सर्टन कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल्स के एक्यूमलेट होने से पैदा होती है यानी कोई भी चीज़ हमारे सेल के अंदर जमा हो गई है कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमारे सेल को ज़रूरत है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई है तो उसकी पैदा उसके जमा होने की वजह से हम कंजेंशल डिजीज़ कहते होते हैं उसको इट हैज़ बिन फाउंड ड्यू टू द क्यूमूलेशन विद इन द सेल ऑफ सब्सटांसिस सच एज ग्लाइकॉल ग्लाइकोजन और वेरियस ग्लाइकोलेपर्स यानी बाजू का ग्लाइकोजन हमारे बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है ग्लाइकोलेपर्स जमा हो जाते हैं तो इनको हम स्टोरेज डिजीजेज भी कहते हैं कंजेंशल डिजीज भी कहते हैं एंड आर प्रोड्यूसड बाई अ म्यूटेशन दट अफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोम इन्जाइम इन्वाल्व इन द कटाबोलिज्म ऑफ सर्टन सबस्टांसिज तो ये डिजीजेस कब होती है जब लाइसोसोम में उन सबस्टांसिस को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स नहीं बनते हैं तो अब ये वाली जो है ना डिजीज हो जाती है जैसे वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन ग्लाइकोजोनासिस टाइप टू डिजीज ये हमारे पास एक टाइप है इसमें होता है कि द लिवर एंड मसल्स अपेयर फिल्ड विद ग्लाइकोजन विद इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेलिस तो इसमें लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है अब हो ये रहा होता है कि इस डिजीज़ में वो इन्जाइम नहीं बन रहा होता दैट इज़ दैट इज़ इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन वो एबसेंट है अबाउट ट्वेंटी सच डिजीज आर नॉन दिस डेज विच आर बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंजाइम फॉर एग्जाम्पल टेसैक डिजीज़ अब दूसरी डिजीज हमारे sac डिजीज ये कब होती है जब हमारी बॉडी में वो इंजाइम नहीं बनता जिसकी जो लिपिड को कैटाबलाइज कर सकता है तो लिपिड्स की क्यूमेशन की वजह से ये डिजीज़ होती है और इसके नुकसान ये हैं कि इट कैन बी लीड टू देंटल रिटार्डेशन यानी मैंटली भी बंदे को अब नॉर्मल कर सकती है ये डिजीज़ और अगर बहुत ज़्यादा लिपिड की क्यूमेशन हो जाए तो डेथ भी हो सकती है हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है विक्यूल तो विक्यूल हमें प्लांट में भी मिलते हैं विक्यूल जो है वो हमें एनिमल में मिलते हैं लेकिन फ़र्क यह है कि प्लांट के अंदर जो है वो एक सेंट्रल के सेंटर के अंदर एक बड़ा सा विक्यूल मौजूद होता है और एनिमल के अंदर जो है वो छोटे 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 साइज़ के जो है विक्यूल मौजूद होते हैं खैर विक्यूल जो भी हो इट इज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड आर फॉर्म बाय द कॉलेसेंस ऑफ स्मॉलर विक्यूल ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट का सेल जब छोटा होता है या इमेच्योर होता है तो उसमें छोटे छोटे से वेक्यूल होते हैं बहुत सारे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जमा हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलिन्स उससे एक बड़ा वेक्यूल बन जाता है तो वेक्यूल के गिर्द एक मैमब्रेन होती है इस मैमब्रेन का जो नाम है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ आप लिख सकते हैं इस मैमब्रेन को कहते होते हैं जो वेक्यूल की मैमब्रेन है दैट इज नॉन एज टोनोप्लास्ट तो मैम्ब्रेन ऑफ वेक्यूल इज़ नॉन एज द टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल जो है इट सर्व टू तो एक्सपेंड द प्लांट सेल प्लांट के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्लांट सेल को एक्सपेंड करने में हेल्प आउट करता है विदाउट डायलूटिंग साइटोप्लाजमें साइटोप्लाजम डायल्यूट भी नहीं होता आ, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक्सपैंड कर रहा है तो इसका मतलब है ये पानी को अपने अंदर लेकर जा रहा है तो पानी इसमें जाने के बाद विक्यूल के अंदर मौजूद कॉन्टेंट को डायल्यूट नहीं करता उसको अपने अंदर हल करके डायल्यूट नहीं करता बल्कि वो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो विक्यूल की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से विक्यूल एक्सपेंड हो जाता है एंड इट आल्सो फंक्शन एज साइड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी कर सकता है द प्ल्ट वेक्यूल इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टर्गर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सेल इसके अलावा टर्गर प्रेशर में भी इन्वॉल्व है इट कॉन्ट्रीट रिजिलटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट जाहिर अगर ये टर्गर प्रेशर में इन्वॉल्व है तो ये प्लांट के लीव्स जो हैं या उनकी यंगर पार्ट जैसे नई नई स्टेम बनी है हर बेश स्टैम है उसको रिजेक्ट करने के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन तो साइटोस्केलेटन के तीन तरह के साइटोस्केलेटिन स्केलेटन फाइव फैब्रिक जो हैं वो हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स माइक्रो फाइलेंट्स एंड इंटरमीडिएट फाइलॉमेंट्स द मेन प्रोटीन और दैट आर प्रजेंट दाइटोस्केलेट आर ट्यूबुलिन तो माइक्रोटिब्यूल्स के अंदर ट्यूबलिन मौजूद है इसके अलावा कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो साइटोस्केलेटन बना रही हैं एक्टिन प्रोटीन माइसिन प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन एंड अदर विच आर ऑल्सो फाउंड इन मसल सेवरल सेल ऑर्गेनाइज आर डिराइव फ्राम द स्पेशल असम्बलेंस ऑफ माइक्रोटिब्युल्स तो सेल के बहुत सारे ऑर्गेनाइल जो हैं वो माइक्रोटिब्यूल्स के इकट्ठे होने से यानी माइक्रोटिब्यूल्स ही बना रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सीलिया जो है माइक्रोटिब्यूल से मिलकर बने हुए हैं फ्लेजेला बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल्स द मूवमेंट ऑफ साइट साइक्लॉसिस क्या है साइटोप्लाजम की द मूवमेंट है एंड अमीबाइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइलमेंट्स वेयर एज इंटरमीडिएट फाइलमेंट्स इन्वाल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेटेशन ऑफ द सेलोर कंपार्टमेंट्स तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाजम मूव कर सकता है या अमीबा के अंदर मूवमेंट हो रही होती है वो होती है इनके अंदर मौजूद माइक्रो फाइलमेंट्स की वजह से इसके अलावा कहते हैं जो इंटरमीडिएट फाइलमेंट्स हैं दे आर इवाल्व इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेलोर कंपार्टमेंट्स हम देखते हैं कि तीनों तरह के साइटोस्केलेटन जो है उनका क्या फंक्शन है माइक्रो हैं माइक्रो फाइलमेंट्स हैं इंटरमीडिएट हैं फाइलामेंट्स हैं है, है. तो माइक्रो क्या हैं? दीज आर लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर टिब्यूलेंट प्रोटीन लंबी अनब्रांच और सिलेंड्रिकल शक्ल की है ट्यबुलट प्रोटीन से मिलकर बनी है वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोटिब्यूल इज़ देयर रोल इन द असेंबली एंड डिस असमेंबली ऑफ़ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस आप पढ़ते हैं माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर के बनने में और उनको डिजनरेट करने में माइक्रोटिब्यूल्स का अमल दखल होता है स्पिंडल फाइबर्स किस तरह के होते हैं जैसे आप कहते हैं जी माइटोसिस हो रही है या आपके पास एक सेल है और यहाँ पर आप कहते हो कि सेंट्रील्स मौजूद होते हैं और आप कहते हो कि सेंटर के अंदर जो क्रोमोसोम सेट हो गए हैं माइटाफेज के अंदर तो इस तरह से करके कुछ फाइबर्स बनते हैं जो इन क्रोमोसोम को सेपरेट आउट करने में इस्तेमाल हो रही होते हैं तो इनको कहते होते हैं स्पिंडल फाइबर्स दी स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय द माइक्रोटिब्यूल्स माइक्रो फाइलमेंट्स क्या हैं दीज आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर सिलेंडर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन तो माइक्रो फाइलेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं एंड दीज एक्टिन प्रोटीन लिंक टू तो द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन अंदर सेल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इंटरमीडिएट फाइलमेंट्स क्या हैं इंटरमीडिएट फाइलमेंट्स हैव डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फाइलमेंट्स यानी ये इंटरमीडिएट एंड दोनों के दरमियान एंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप सेल की शक्ल सूरज जो है वो इंटरमीडिएट फाइलमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं नेक्स्ट वी हैव सेंट्रीयूल एनिमल सेल एंड सेल ऑफ द सम ऑर्गेलीजनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट कंटेन टू सेंट्र्यूल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस यानी जो मिच्योर प्लांट है उनके अंदर या प्लांट हैं उनके अंदर नहीं होते लोअर प्लांट्स के अंदर आपको सेंट्रूल मिलते हैं बाकी एनिमल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेंट्रूल मिलते हैं और वो न्यूक्लियस के सर्फेस के ऊपर मौजूद होती हैं इन क्रॉस सेक्शन ईट सेंट्रूल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ नाइन माइक्रोटिब्यूल तो जब हम इसको देखते हैं सेंट्रूल को देखते हैं तो आपको नो no माइक्रोटिब्यूल मिलती हैं एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ और ये नौ तो नाइन माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हो रही होती हैं और हर माइक्रो में आप देख सकते हैं तीन तीन टिब्यूलिन मौजूद हैं यहाँ पर आप देखें एक के अंदर तीन तीन जो है ना वो मौजूद होती हैं द टू सेंट्र्यूल आर यूली प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर तो दो सेंट्रूल एक टाइम में मौजूद होते हैं जस्ट बिफोर अ सेल डिवाइड इट सेंट्रूल डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस और जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो पहले उनकी वो होती है डिवीजन होती है जैसे अगर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास दो सेंट्रूल मौजूद होते हैं तो जब सेल ने डिवाइड करना होता है ये डुप्लीकेट करते हैं डुप्लीकेट करने का मतलब है दो और बनाते हैं तो एक पेयर जो है वो एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा पेयर जो है वो दूसरे पोल की तरफ मूव करके आ जाते हैं द स्पिंडल दैन फॉर्म बिटवीन दम फिर इसमें स्पिडल बनते हैं दे आर एबसेंट इन हायर प्लांट्स एंड ट्यूल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ द फरविंग ड्यूरिंग द सल डिवीजन तो यह फरविंग करने में हेल्प करते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया तो सीलिया बनाने के अंदर भी ये जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं यह था हमारा आज का लेक्चर यहाँ से अब आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि एक तो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि डिफरेंशियप बिटवीन प्राइमरी लाइसोसॉम्स दैन सेकेंडरी लाइसोसोम इसके अलावा आपने क्वेश्चन तैयार करना है विक्यूल में से कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विक्यूल इन द प्लांट सेल तीसरा क्वेश्चन ये है कि गिव द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स माइक्रो फाइलेंट्स एंड इंटरमीडिएट फैलामेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर ये है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द देंट्रूल इन द एनिमल सेल और क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपके पास uh, ये है कि आपने ये सेंट्रुल की जो है वो डायग्राम बनानी है तो ये फ़ाइव क्वेश्चन आप अटैप्ट करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़